हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। ये एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ट्रिक बताने वाले हैं टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर पूरा डिटेल्ड वीडियो देखना है तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें पूरा जो फार्मूलाज हैं टेक्निक्स में बताया है। इस वीडियो में स्पेशली जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जैसे है ना नेट हो सकता है, सेट हो सकता है, IIT जेएम के हो सकते हैं, PhD एंट्रेंस के हो सकते हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको बहुत ही कम टाइम में आपको इनवर्स फाइंड करना होता है, ठीक है ना। ए इनवर्स की ज़रूरत पड़ती है कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या ट्रिक हो सकता है वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली होता क्या है, जो उसका मेथड है ना थोड़ा सा बड़ा है, आप उसमें कितना भी स्पीड अप कर लो थोड़ा सा टाइम ले ही लेता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक हो कि एकदम फटाक से आप बिल्कुल 1-2 मिनट में ही आंसर दे दो तो कितना बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो वही करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट जो बताऊंगा वो है 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना। बेसिकली ऐसे ही लिखना चाहिए, है ना, ओके। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए भी आखिर में एक मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स के अपॉन में ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता ना, इसलिए इस तरह से लिखो। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ उसमें इसी का यूज़ किया गया, इसी फार्मूला का यूज़ किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब है क्या समझना, सबसे पहले बताने वाला हूँ वो है 2x2 मैट्रिक्स ट्रिक टू फाइंड इनवर्स, ओके। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ए इनवर्स होगा 1 अपॉन AD माइनस BC, हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर इसको फ्लिप कीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका है इनवर्स। इतना शॉर्टकट, आपको मतलब मुश्किल से 30 सेकंड में ही लगा होगा, है ना, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा भाई, इतना इजी है। ए इक्वल टू आपने लिखा ये, तो ए इनवर्स फाइनली यही फार्मूला, ध्यान रखना, बट ये शॉर्टकट में है ना। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन AD माइनस BC, और फिर ये फ्लिप हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, हो गया, है ना। यही है आपका एडजॉइंट ऑफ है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ है, खत्म ना। कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने लिया ए इक्वल टू, है ना, जैसे लिया 1, 2, 3, है ना, 1। अब ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालिए, क्या आएगा आपका 1 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6, और फिर ये हुआ फ्लिप, तो फ्लिप में तो 1 ही 1 दिखेगा, माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ गया, ये हो गया आंसर, कितना इजी है, है ना, ओके। जैसे मैंने कोई और एग्जांपल ले लिया, जैसे लिया ये आपका, क्या आ जाएगा, इनवर्स फाइन कीजिए, बताइए भाई, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 8 माइनस 6, ओके, और ये फ्लिप, माइनस का मल्टीप्लाई, इससे इजी क्या हो सकता है। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया ना। जैसे इसका हमने देखा तो क्या आया, 1 अपॉन, है ना, 2 माइनस 8 माइनस 6, ये फ्लिप हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, यही तो इनवर्स है, कितना शॉर्टकट है, ओके। 3x3 मैट्रिक्स, इसका इनवर्स फाइंड करने का ट्रिक क्या है, समझना अच्छे से। मैं जनरल केस पहले ले रहा हूँ, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 3x3 मैट्रिक्स है, ओके। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट देख लीजिए क्या आ रहा है, के नॉट इक्वल टू 0, परफेक्ट। मैंने कोई ऑब्वियस ही बात है ना, जनरल फॉर्म है, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट कुछ निकला, वो वैल्यू मैंने के ले लिया है, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। अब कैसे करना है, जो भी एंट्रीज है एग्जैक्टली उसको लिख लीजिए, ए बी सी, मैं भी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, डी ई एफ जी एच आई, परफेक्ट, एज इट इज उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, ये जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं उनको लिख लीजिए, ए बी डी ई जी एच, परफेक्ट, इसी को एज इट इज लिख लो। अब क्या करना है, फर्स्ट टू कॉलम्स, नाउ फर्स्ट टू रोज़ को लिखना है, ए बी सी ए बी, उसके बाद डी ई एफ डी, परफेक्ट, एज इट इज़ इसको फिर कॉमन लिख लीजिए, परफेक्ट, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दो, इतना हो गया। अब डिलीट करने के बाद जो बचा वो यही है, अब इसमें यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वैल्यू निकलेगा, है ना, ठीक है। तो वैल्यू जो भी आया, जैसे मैं जे मान लेता हूँ, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस निकाला, जो भी आया, है ना, ओके, ऐसे जो भी वैल्यू आता जाएगा, है ना, फोकस करना,
यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से ये, फिर जब यहाँ से करेंगे है ना वो वैल्यू यहाँ पर, फिर यहाँ से करेंगे वैल्यू यहाँ पर, यहाँ से करेंगे वैल्यू यहाँ पर, फिर यहाँ से जब करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सेम वही पैटर्न यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो मिला वो ये रो में गया, यहाँ से जो मिला वो कहाँ फिर ये रो में, यहाँ से जो मिला वो ये रो में, यही एडजॉइंट है ठीक है। और ये आपके डिटरमिनेंट पहले से था और ये था, तो फाइनली इस फार्मूला पुट कर लीजिए, आंसर आ गया खत्म। इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है, एग्जांपल ले रहा हूँ डोंट वरी। मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिया, ए इक्वल्स टू दी सबसे पहले डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू फटाफट ठीक है। तो वन मैं यहाँ पर सी वन को एक्सपांड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है, तो वन इंटू है ना दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वन माइनस थ्री ठीक है, और माइनस जीरो प्लस जीरो, तो फाइनली क्या आया माइनस टू। डिटरमिनेंट ऑफ है जो भी आया वो नॉट इक्वल टू जीरो है, डिटरमिनेंट निकल गया ठीक है। अब जो ट्रिक होता है वो एडजॉइंट के लिए होता है, फिर दोनों कंबाइन करके इन्वर्स निकाल सकते हो। ओके जो भी है उसको एज इट इज लिखिए, वन डबल जीरो टू माइनस वन थ्री जीरो वन माइनस वन, फर्स्ट टू कॉलम्स को यहाँ पे आप लिखिए वन जीरो जीरो है ना टू माइनस वन थ्री ठीक है। फर्स्ट टू कॉलम्स को मैंने लिखा, उसके बाद फिर फर्स्ट टू रोज को लिखना है यहाँ पे, तो वन टू जीरो वन टू जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन, उसके बाद फर्स्ट ये जो है ना इसको डिलीट कर देना है। अब जो मिला यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जो एडजॉइंट मिलेगा आपको वो मिलेगा इस पैटर्न में, पूरा ट्रांसपोज करने के बाद जो मिलता है वही है ना, तो है ना कितना आएगा बताइए, वन माइनस थ्री माइनस टू है ना, वन माइनस थ्री माइनस टू जीरो, माइनस माइनस प्लस टू ठीक है, टू प्लस जीरो टू, फिर जीरो प्लस जीरो जीरो है ना, माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, फिर है ना जीरो प्लस वन जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन ठीक है। हो तो गया है ना, आप यहाँ से निकाले वो इसमें, यहाँ से निकाले वो इसमें, यहाँ से निकाले वो इसमें, फाइनली ए इनवर्स इक्वल्स टू फार्मूला में अप्लाई कर दो, वन अपॉन माइनस टू, और जो भी आया है आपका माइनस टू 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 जीरो माइनस वन माइनस वन जीरो माइनस थ्री माइनस वन, यही इनवर्स है, इतना फास्ट ठीक है। तो क्या करना है, जो भी है पहले एंट्रीज लिखे, फर्स्ट टू कॉलम्स को, फिर फर्स्ट टू रोज को ठीक है डिलीट कर दो इसको, फिर यहाँ से है ना सॉलो करके जो भी आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे, सेम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे ठीक है, सेम यहाँ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस यहाँ पे। मैं डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा खुद से ऑब्वियसली बात है बहुत फास्ट बनेगा, तो आप खुद अप्लाई करके देखिए ठीक है। आप जो फास्ट अप्लाई करेंगे 30 सेकंड में मुश्किल से, हो सकता है एक मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना आप स्पीड करेंगे उतना जल्दी आंसर मिलेगा ठीक है। क्लियर है, तो आप समझ पा रहे हैं 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का भी ट्रिक होता है ठीक है। एक होता है लॉन्ग मेथड है ना, ऑब्वियसली बात है उनको समझने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए वो ज़रूरी होता है ठीक है, और कंपटीशन फेस करने के लिए ये ज़रूरी होता है ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो का फ़ायदा तो उठा लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपने वीडियो देखा आपको नॉलेज मिला इतना तो बनता है, एक सब्सक्राइब और एक शेयर ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को जिनको इस वीडियो की नीड है ठीक है ना। आप अगर किसी मैथ्स से ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा मिले इस वीडियो का। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर ये फील तो होनी ही चाहिए कि मुझे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को, मैथ्स के कंटेंट को एक्सपांड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।